आपको बता दें, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। क्या कांग्रेस का हिंदू अलग है और बीजेपी का अलग है? पलटवार करते हुए सवाल पूछा। कांग्रेस बंटवारे की राजनीति कर रही है, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, सुनिए सर। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हैं। एनडीए की आज बड़ी बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटक दलों को क्या मंत्र दिया चिराग जी? आज प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी का से मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। प्रधानमंत्री जी का अनुभव एक लंबा अनुभव है, ऐसे में तमाम एनडीए के सांसद को उनके अनुभव का लाभ मिले, इस सोच के साथ आज इस बैठक को आयोजित किया गया। हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने कई परंपराओं की मर्यादा को टूटते हुए देखा है, जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव हुआ, जिस तरीके से कल एलओपी का संबोधन हुआ, जिस तरीके से उस संबोधन सर चाय वाला जो लिखा है वो भेज दो, आहत करने का चाय वाला भी तो बोला है। गुरु ने सामने आकर उनसे अपनी असहमति बताई। हिंदू हिंसक होते हैं, महादेव की तस्वीर को इस तरीके से लहराना, इन तमाम चीज़ों ने ना सिर्फ एक बड़ी आबादी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने या चेयर को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, तथ्यात्मक गलत जानकारी को सदन के पटल पर उन्होंने रखने का काम किया, तमाम बातों को लेकर एनडीए में भी चिंता है, क्योंकि ये गलत परंपरा की नींव रखी जा रही है, तो इसको लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आचरण मर्यादा के अनुकूल रहे, इसके लिए आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के हिंदू को बोला है, उन्होंने पूरी बीजेपी, ऐसा कैसा हिंदू होता है भाई, मुझे बताइए। बीजेपी का हिंदू अलग, कांग्रेस का हिंदू अलग। अब ये वही बंटवारे की राजनीति नहीं है जिसको कांग्रेस दशकों से साइड की आ रही है। अब कैसे आप धर्म में बंटवारे करने के लिए सोच रख रहे हैं कि बीजेपी वाले हिंदू क्या कोई अलग परंपराओं का पालन करते हैं और कांग्रेस वाले कोई अलग और देश वाले कोई अलग? ऐसा नहीं। ने पलटवार किया है, क्या कांग्रेस का हिंदू अलग है और बीजेपी का अलग है? पलटवार करते हुए सवाल पूछा। कांग्रेस बंटवारे की राजनीति कर रही है, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, सुनिए सर। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हैं। एनडीए की आज बड़ी बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटक दलों को क्या मंत्र दिया चिराग जी? आज प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी का से मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। प्रधानमंत्री जी का अनुभव एक लंबा अनुभव है, ऐसे में तमाम एनडीए के सांसद को उनके अनुभव का लाभ मिले, इस सोच के साथ आज इस बैठक को आयोजित किया गया। हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने कई परंपराओं की मर्यादा को टूटते हुए देखा है, जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव हुआ, जिस तरीके से कल एलओपी का संबोधन हुआ, जिस तरीके से उस संबोधन सर चाय वाला जो धर्मों की भावना वो भेज दो, आहत करने का चाय वाला भी तो बोला है। गुरु ने सामने आकर उनसे अपनी असहमति बताई। हिंदू हिंसक होते हैं, महादेव की तस्वीर को इस तरीके से लहराना, इन तमाम चीज़ों ने ना सिर्फ एक बड़ी आबादी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने या चेयर को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, तथ्यात्मक गलत जानकारी को सदन के पटल पर उन्होंने रखने का काम किया, तमाम बातों को लेकर एनडीए में भी चिंता है, क्योंकि ये गलत परंपरा की नींव रखी जा रही है, तो इसको लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आचरण मर्यादा के अनुकूल रहे, इसके लिए आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के हिंदू को बोला है, उन्होंने पूरी बीजेपी, ऐसा कैसा हिंदू होता है भाई, मुझे बताइए। बीजेपी का हिंदू अलग, कांग्रेस का हिंदू अलग। अब ये वही बंटवारे की राजनीति नहीं है जिसको कांग्रेस दशकों से साइड की आ रही है। अब कैसे आप धर्म में बंटवारे करने के लिए सोच रख रहे हैं कि बीजेपी वाले हिंदू क्या कोई अलग परंपराओं का पालन करते हैं और कांग्रेस वाले कोई अलग और देश वाले कोई अलग? ऐसा नहीं।